हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग मेरा बनाया मैंने मॉर्निंग से इवनिंग का। यहाँ पे देखिए बहुत ही बारिश हो रही है, कितना अच्छा मौसम हो रहा था। तो बच्चे देखिए बीतता हुआ आया है नीचे से, अभी नहाएगा ये देखिए क्या तो करवाएगा भी अपनी आज की बात। मम्मा आ रहा ऊपर से। अच्छा कहाँ से आ रहा है मम्मम? मम्मम कहाँ से आ रहा है? रक्षु उधर आ रहा है। कौन दे रहा है मम्मम? बीमार हो जाएगा गोलू। तो एक रिक्वेस्ट है, व्लॉग को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। जितने भी नए चैनल को सब्सक्राइब जोर से जरूर करना फ्रेंड्स। और यहाँ पर रक्षित की मस्ती देख लो और बातें सुन लो, क्या मजेदार बातें करता है छोटा सा। लेट नहीं चलूं? ना बेटा मैं ना जाती, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तू जा। ना ना बेटा, ना मैं नहीं जाऊंगी, पापा मारेगा मेरे। ना मैं ना नहाती, ना मैं ना नहाती। देखिए मना ले जाया है नहाना के लिए। मम्मी चल, मम्मी चल ना ले, डू आप नहा लो ना। मम्मी नहीं, मम्मी नहीं, नहीं मम्मी नहीं ना ना लड्डू छोड़, आप ना क्या जल्दी से, तो बारिश चली जाएगी। नहीं मैं नहीं, आप जाओ, आप जाओ बोलू। मैं नहीं रहूंगी बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बीमार हो जाऊंगी। आप जाओ जल्दी से नहाए, बारिश चली जाएगी, बारिश चली जाएगी, जल्दी नहा ले। ना मैं नहीं रहूंगी बेटा, मैं नहीं नहा सकती बोलू। मैं नहीं नहाऊंगी, मेरे से जिद क्यों कर रही है तू? आप नहा लो मम्मम, मोरा कितना सारा मम्मम है। जाओ नहीं दे रहे भगवान जी मम्मम, वही मम्मम दे दो। रक्षित मांग रहा है मम्मम दे दो भगवान जी, बोल दे भगवान जी दे दो मम्मम, बोल दे मम्मम दे दो, हाथ जोड़ के मांग ले ऊपर से मम्मम। तो फिर इसके बाद नहा के फिर मैं आ गई थी, मगर चलो थोड़े से कपड़े थे, मैं प्रेस कर लेती क्योंकि लाइट आ रही थी और रक्षित के पापा के कपड़े रखे हुए थे। तो मैं कहा चले प्रेस कर लेते, आज मौका था। रक्षित ना नीचे गया हुआ था अपने पापा के पास, मैं चल कर लेती फटाफट, नहीं तो ना करने ही नहीं देता ये प्रेस को ना, हाथ लगाते तो डर लगता है जल जाए इसलिए। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो सारे कपड़े मेरे हो गए प्रेस, ये रखे हुए सारे। और ये सूट अभी मैं पहनूंगी, अब तो खैर कुछ काम नहीं है, तो जब बाहर निकलूंगी ना जब भी पहनूंगी। तो यहाँ पर प्रेस इसलिए मैंने कर ली थी क्योंकि रक्षित ना बाहर गया हुआ है। तो मगर चलो मौका, रक्षित के पापा के कपड़े इकट्ठे हो रहे थे दो जोड़ी, दूंगा फटाफट से धो लेती हूँ। ठीक है तो मिलेंगे मेरे, मैं थोड़ा कर लेती हूँ डनिक पेंटिंग, सूट वूट पहन लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ठीक है तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, आप प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और जितने भी नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। ठीक है तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी बचपन में जरूर खेला होगा चिड़िया उड़ी, मैनक उड़ी, तोता उड़ा। तो मैं रितिका हम लोग यही खेल रहे थे क्योंकि मैं खाली बैठी थी, काम तो हो ही गया था तो आराम से बैठी थी और प्रेस मैं कर नहीं सकती थी, नहीं तो कपड़ों पर प्रेस कर लेती। लेकिन रक्षित महाराज साथ में थे तो मैं कहा चलो ये गेम खेल लेते, बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे थे, मैं जिठाने आई हुई थी तो उनके बच्चे हैं ये, तो मैंने कहा चलो खेल लो कमरे में। रक्षित खुश हो जाता है लोगों को देख के ना, बहुत खुश हो जाता है और नोनू से तो बहुत वो करता है, नोनू आगे नोनू आगे। तो मैं कहा चलो गेम खेल लेते हैं, मेरा रक्षित बहुत खुश हो जाता है। तो आप लोग भी जरूर अपने बचपन में खेलोगे तो प्लीज़ बताना जरूर किस किसने गेम खेला है। तो हम लोग ये गेम खेल रहे थे।
रस्सी जैसे अकेला अकेला रहता है ना, तो मतलब कि ये फोन में लगा रहा अकेला खेल लिया, तो बच्चों को देख के बहुत खुश हो जाता है। तो मेरी जिठानी आती रहती है सैटरडे संडे वगैरह को, आ जाते हैं छुट्टी वाले दिन, तो रक्षित बहुत खुश हो जाता है। और जो नोनू है ना, वो तो इसकी फेवरेट बहन है, मतलब इसकी जो सिस्टर लगती है नोनू, बहुत नोनू को याद करता है दिन रात, नोनू 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 सोते चलते नोनू नोनू नोनू। तो मैं कहा तेरे नोनू आगे खेल ले, और दुखी भी करता है इन बच्चों को, ढंग से खेलता भी नहीं इनके साथ, इनको चीज भी नहीं देता अपनी कोई, बहुत शरारती है रक्षित। तो हम लोग खेल लेते, मैं कहा चल हम लोग खेल लेते हैं अपना। पर यहाँ पर देख लो इनके ड्रामे चालू हो गए, साड़ी बांध बांध के डांस कर रहे हैं सारे। तो मैं कहा कर लो कोई नहीं, देखो चादर का कमरे का क्या हाल कर रखा है, देख लो आप लोग ही उनकी मस्ती देख लो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग आज यही व्लॉग देख लीजिए, क्योंकि थोड़ी मैं दिक्कत परेशानी में हूँ, मैं आपको बताऊँगी बाद में क्या परेशानी है। तो मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं है, कल मैं आपके लिए नया, तो अब थोड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, तो इसलिए मैं कल व्लॉग लेके आऊँगी नया। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।